as a total, identical cells, EMFE is subtype which are, as a total, they are N1 times. Maybe N1 10 hoga to 10 bar jayega, N1 5 hoga to 5 bar jayega. और ऐसा ही एक और लाइन तैयार किया गया सीरीज के साथ पैनल जोड़ते हुए सेम ये सब बैटरी आइडेंटिकल है सबका इंटरनेट स्मॉल आ रहा है ये भी गया अप टू N1 टाइम्स ऐसा एक और लाइन तैयार किया अगर ऐसा तैयार करते करते आपको पैरेलल में जोड़े हैं इसको N2 टाइम्स N2 बार नीचे आया एक और लाइन तो आपका ये इस तरह से बनते गया बीच में बहुत ज्यादा बनते गया है आइए इतना सवाल यही है ये भी EMF है ये सवाल इन सबको मिला के एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर से जोड़ा गया ये सब मिलके इस कैपिटल आर में कितना करंट सप्लाई करेंगे यही पूछा गया है आई का वैल्यू और एक बात और देखिए टोटल बैटरी कितना होगा एक लाइन में अगर 10 बैटरी है वैसा 5 लाइन है तो टोटल बैटरी 50 हुआ 10 × 5 एक लाइन में अगर N1 बैटरी है वैसा N2 लाइन से टोटल बैटरी हो गया N1 × N2 जो क्वेश्चन में बोला है कि n इज इक्वल टू है N1 × N2 टोटल नंबर ऑफ बैटरी इज इक्वल टू N1 × N2 सुनिए पहला आपको सीरीज में दिख रहा है ये पहला पूरा सीरीज में दिख रहा है और सीरीज में होगा तो सबको हटा के कैसे लाएंगे पहला लाइन में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 यानी इसके बाद का पहला डायग्राम पहला लाइन में सारा हटाएंगे तो सबका ये इक्विवेलेंट E प्लस E प्लस E प्लस E सीरीज में E सीरीज E प्लस प्लस डॉट 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 N1 टाइम्स कितना E हो जाएगा N1 टाइम्स E मतलब ये हो जाएगा N1E और R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है R प्लस ये भी N1 टाइम्स यानी ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा N1 × R मतलब पहला वाला बैटरी का EMF होगा N1E और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा N1R उसी तरह से दूसरा वाला बैटरी का भी EMF N1E हो जाएगा ये भी वहीं तक गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस बाएगा N1 × R उसी तरह से ये डॉटेड लाइन जाएगा लास्ट वाले में भी आएगा EMF N1 की हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस N1 R फैल जाएगा इसका देखिए आप देख लीजिए सब N1 ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस N1 R कहीं कोई कष्ट नहीं समस्या नहीं ठीक है अब इन सबको आपने जोड़ रखा है एक्सटर्नल से बार बार हम नहीं लिख रहे लेकिन ये खुदा हमने कहा था अब ये सब पैरेलल में है और सब आइडेंटिकल है सबका ईएमएफ सेम है N1 सब आइडेंटिकल है आइडेंटिकल मतलब ईएमएफ भी सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम दोनों सेम देन आइडेंटिकल ऐसे नहीं तो उस हिसाब से इन सबको हटा के इन पैरेलल ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तो डायरेक्ट N1E अभी आपको बताए थे आइडेंटिकल में सबका वैल्यू सेम है तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू भी सेम होगा यानी सबको हटा के एक लगाएंगे तो उसका वैल्यू आएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N1 × E और यहाँ पे आपको एक R इक्विवेलेंट अभी आना बाकी है और ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल है R इक्विवेलेंट 1 by R1 इस बार कितना है आपका R1 है आपका N1R प्लस 1 by R2 N1R प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स N2 टाइम्स देख रहे हैं हर चीज है N2 टाइम्स ये वाला पूरा 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by R3 यही लिख रहे हैं सबका एलसीएम होगा N1R + 1 + 1 up to N2 टाइम्स इसका मतलब है कि ये ऊपर जाएगा N2 by N1R उलट दो R इक्विवेलेंट N1 by N2 × R लिखा आपको N1 by N2 × R ये आपको R इक्विवेलेंट N1 by N2 × R यहाँ पर R equivalent आया यानी R equivalent आपका आ गया N1 by N2 × R बताओ करंट का वैल्यू क्या होगा I equal to होता है E equivalent by R plus R equivalent का वाइंस से B जो होना ही चाहिए होगा ही N1 E by R plus N1 by N2 × R यही हमारे करंट का आंसर हो गया पहला पार्ट बना सिर्फ ये कितना आसान है इसमें ट्रिक क्या था ट्रिक ये था कि अगर सब पैरेलल में सेम है तो सब का ईएमएफ भी सेम डाल दिए सीधे बिना घबराए जल्दी बना एग्जाम में वैल्यू में आ जाए जो देखिए
क्या कहीं कोई समस्या? इसका पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में लिखता है कि क्वेश्चन कहाँ आ गया, आपको एक रिलेशन फाइंड करना है NO1, NO2 और R में, ताकि कैपिटल R में सब में रिलेशन फाइंड करना है ताकि क्या चीज हो सके, करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो सके, इस R में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो सके, इसके लिए रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको रिलेशन फाइंड करना है किसको, वैल्यू को मैक्सिमम करना है, आई को। आई किसका फंक्शन है यहाँ पे, एन वन एन टू का। तो आपको कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि आई को यहाँ पे यूज करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अगले क्लास में याद से हमसे पूछ लीजिएगा कैसे बनेगा, हम आपको पहले ये बताएंगे तभी आगे बढ़े, ठीक है। क्या करना है, समझ में आ गया है आपको, मैक्सिमा और मिनिमा यूज करना है। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है एन टू आर प्लस एन वन आर, और ये ऊपर चला जाएगा एन वन एन टू, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको काम करना है, डिफ्रेंशिएट करना है आई को, और किस तरह से आप करेंगे वो हम चेक करेंगे आपका होमवर्क में। फिलहाल आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और इसको आप एक बार देख, कहीं कोई इसमें डाउट हो तो आप हाथ रेज करें, अदरवाइज ये आपका काम यही तक है। विशाखा ने कुछ लिखा है भाई, क्या विशाखा बोलो, तो शेखर ने भैया फोटो और ब्लर आ रहा है, फोटो कुछ भेजिए। ओके ठीक है, भेज देंगे, ओके भेज देते हैं। हाँ मैक्सिमम यूज करेंगे विशाखा तो बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये मीटिंग छोटा मीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, चार बजे तक हम बोले कि उनको अगला क्लास लेना बहुत जरूरी है, इसलिए ये मीटिंग 10 मिनट में ही खत्म कर रहे हैं, बस एक सवाल बताने के लिए मीटिंग किए थे। अब आप तब जा सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप उनसे पर्सनली पूछिए। मीटिंग हम पूरा ये डाल दे रहे हैं आज यूट्यूब में, क्योंकि आपका फोटो वोटो की दिक्कत भी है, तो हम फोटो खींच के ग्रुप में भेज देते हैं, क्वेश्चन का फोटो ग्रुप में जा रहा है, ठीक है। आप सब मीटिंग आराम से लीव कर